नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। आज हम 2016 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसका 200 ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाएंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आपका पहला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है वेक्टर क्वांटिटीज हैज, वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशि, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि द्रव्यमान और आपका दिशा दोनों होता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर है, फोर्स हुज टाइम्स ऑफ एक्शन पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड डैश फोर्सेस। तो ये आपका हो जाएगा कोप्लेनर एंड कोलिनियर फोर्सेस, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। थर्ड नंबर है, ए कपल इज फॉर्म्ड बाय, एक कपल किससे बना होता है, तो टू एंड इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस या फिर आप अनलाइक फोर्सेस कह सकते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से कपल फॉर्म्ड होता है, बना होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो न्यूटन होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स पी एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन विल बी, क्या हो जाएगा, राइट एंगल पर अगर कंपोनेंट ऑफ फोर्स पी अगर लाइक करता है तो वह जीरो हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स, द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स पॉसिबल एट द हिंट सपोर्ट फॉर ए जनरल लोडिंग इज, तो ए आपका दो हो जाएगा। जनरल लोडिंग में आपका दो हिंट सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि फिक्स सपोर्ट में आपका थ्री क्या होता है नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाता है, और एक होता है रोलर सपोर्ट, उसमें एक ही नंबर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा दो आपका हो जाएगा, हिंट सपोर्ट में आपका दो नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, द लोड व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द लेंथ ऑफ द बीम इज नोन एज, यहाँ पे क्वेश्चन में ही देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये आपका ऑप्शन बी नाम से ही पता चल रहा है, तो बी आपका आंसर हो गया, यूनिफॉर्म लेट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एट नंबर देखिए, FBD मीन्स, FBD को क्या बोलते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन F एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सर्फेस R एंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हैज रिलेशन, क्या रिलेशन है आपका इन तीनों में, तो F बराबर आपका होता है म्यू आर, एफ बराबर म्यू आर, ये आपका रिलेशन हो गया। लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी बराबर आपका होता है क्या, सरफेस गुने फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। आपका टेंथ नंबर सवाल है, एसआई यूनिट ऑफ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज, एसआई यूनिट ऑफ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो ये आपका यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, कोई भी यूनिट होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ इसका बटा में करिएगा दोनों का यूनिट कट जाता है, तो फ्रिक्शन यूनिट लेस होता है, या तो 0.2 कह ले 0.1 कह ले, ये सब ही होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। 11th नंबर है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि छोटा होता है बड़ा होता है क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से आपका छोटा होता है, यानी कि लेस देन, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेंट्रॉइड ऑफ ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स बेस एट द डिस्टेंस ऑफ, कितना दूरी पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है अर्थ सर्किल में, अर्थ वृत्त में, तो आपका आंसर हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका होता है 4r/3π होता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फीयर लाइज एट द, यानी कि गोला स्फीयर में, गोला का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में ही लाइज करेगा, सिंपली सी बात है, तो आपका ए राइट आंसर हो गया। 14 नंबर देखिए, ए बीम व्हिच वन एंड इज हिंग्ड एंड द अदर ऑन द रोलर इज नोन एज डैश बीम, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड यहाँ पे बीम बोलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच रिलेटेड टू बॉडीज एट रेस्ट इज कॉल्ड, तो बॉडीज रेस्ट में होता है तो उस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम लोग स्टैटिक्स में पढ़ा करते हैं, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, ए मशीन इज सेट टू बी आइडियल इफ इट्स इफिशियंसी इज, आइडियल तभी होता है कोई मशीन जब उसका इफिशियंसी इक्वल्स टू आपका हो जाता है 100%, ऐसा कोई भी मशीन नहीं होता है जो 100% इफिशियंसी के साथ प्रोड्यूस होता हो। और 17 नंबर देखिए, वेलोसिटी रेशियो ऑफ थर्ड सिस्टम पुली हैविंग थ्री पुलीज इज, क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी रेशियो, तो थर्ड सिस्टम पुली में आपका वेलोसिटी रेशियो आपका होता है 2n बाई
टू एंड माइनस वन, तो आप एन की जगह पे थ्री रख दीजिएगा, आपका सेवन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। 18 नंबर देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मशीन इज एक्सप्रेस्ड एज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो लोड बाय एफर्ट भी होता है, आउटपुट बाय इनपुट भी होता है, यानी कि आपका बर्थ है एंड बी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू, दो फोर्सेस है पी एंड क्यू एक्टिंग एट ए एंगल फाई, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला ही होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा अंडर रूट में, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। 20, द इफेक्ट ऑफ मोमेंट ऑन ए बॉडी इज, मोमेंट किसी बॉडी पे लगता है तो क्या इफेक्ट डालता है, तो इसका आंसर होता है उसको टर्न कर देता है, टर्न इट कर देता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा टू टर्न इट। और आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप 2016 का भी शायद क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाइएगा, 2017 का क्वेश्चन पेपर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।